नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हमारे स्टडी मित्र में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन 1, जिसका टाइटल है लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव, यानी अपने प्रेम का दीपक जलाओ। और उसका पार्ट 1 लेकर हम प्रस्तुत हैं। कविता के बारे में जान लेते हैं। कविता किस बारे में है? अबाउट द पोयम, इट इज अ सिंपल प्रेयर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। यह एक साधारण सी कविता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ही प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट। वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान अपने प्रेम का दीपक उनके हृदय में जलाएं, to remove the darkness of ignorance, ignorance यानि अज्ञानता, darkness यानि अंधेरा। तो अज्ञानता के अंधेरे को हटाने के लिए, remove यानि हटाना, तो अज्ञानता के अंधेरे को हटाने के लिए वो भगवान से अपने हृदय में उनके प्रेम का दीपक जलवाना चाहते हैं। ही द वंडरफुल रेज ऑफ द लैम्प would transform evil into good। तो उस दिए की, उस लैम्प की जो अद्भुत किरणें हैं, वंडरफुल किरणें हैं, वो ट्रांसफॉर्म इविल इंटू गुड, बदल देंगी इविल इंटू गुड, बुराइयों को अच्छाइयों में, क्ले इंटू गोल्ड, मिट्टी को सोने में, एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ दैट हैव बीन प्लेगिंग हिम। और उन्हें मुक्त कर देंगी जिंदगी की चिंताओं से, अनेक प्रकार की चिंताएँ होती हैं जिंदगी में, दैट हैव बीन प्लेगिंग हिम, जो उन्हें पीड़ा दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अबाउट द पोएट, अब कवि के बारे में भी जान लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन और एशियन नोबेल प्राइज विनर। ही रिसीव द प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। He received the prize for literature in 1913। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इंडियन जनगण मन, जो भारत का राष्ट्रगान है, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है नेशनल एंथम्स। ये दोनों नेशनल एंथम्स उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं, लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए पोयम को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स, इन माई हाउस, हाउस यानी तो घर होता है, लेकिन यहां इस कविता में हाउस का मतलब हृदय। तो इन माई हाउस, मेरे हृदय में, हे ईश्वर मेरे हृदय में, विद दाइन ओन हैंड्स, दाइन यानी तेरे, ओन ये खुद के, हैंड्स यानी हाथ, तेरे खुद के हाथों से, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, तू अपने प्रेम का दीपक जला। इन माई हाउस, मेरे हृदय में जला, अपने खुद के हाथों से अपने प्रेम का दीपक मेरे हृदय में जला। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग, दाई यानी तेरा, ट्रांसम्यूटिंग यानी काया पलट कर देने वाला, लैम्प यानी दिया, दीपक, इंट्रेंसिंग अद्भुत है, वंड्रस आर इट्स रेज, इसकी किरणें अचंभित कर देने वाली हैं। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग, तेरा काया पलट कर देने वाला दिया अद्भुत है और इसकी किरणें आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं, अचंभित कर देने वाली हैं। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, हे प्रभु मेरे अंधेरे को अपने उजाले में बदलो, अर्थात मेरी अज्ञानता को अपने ज्ञान में बदलो। फिर से वही बोलते हैं, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, अज्ञानता को अपने ज्ञान में बदलो, एंड माई ईविल इंटू गुड, और मेरी बुराइयों को अच्छाइयों में बदलो। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, मुझे एक बार छुओ और मैं बदलूंगा,
ऑल माई क्ले इन टू दाई गोल्ड। क्या बोल रहे हैं कवि कि मैं बदलूंगा ऑल माई क्ले, मेरी मिट्टी को बदलूंगा मैं सोने में, तुम्हारे सोने में बदलूंगा मैं। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, और भावनाओं के जितने दीपक मैंने जलाए तो थे, सूटेड इन टू वरीज, और चिंताओं में वो काले हो गए हैं, जल गए हैं। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल लाइट द रिसरेक्टिंग लैम्प, आत्मा के द्वार पर बैठकर हे ईश्वर अपने रिसरेक्टिंग लैम्प को, रिसरेक्टिंग यानि पुनरुद्धार करने वाले लैम्प को जलाइए। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, रविन्द्रनाथ टैगोर। थैंक यू।